हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आईक्यू प्लस एकेडमी और हम डिस्कस करेंगे 28 मई से लेकर 31 मई तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 28 मई के करंट अफेयर्स को। गाइज, इसके अलावा हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जो कि करंट अफेयर से ही रिलेटेड है और चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें शामिल है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, साथ ही जलवायु परिवर्तन और मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे यानी बीडी सावरकर के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी जयंती मनाई गई है। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया है? तो गाइज, ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो गाइज, यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया है। इसके साथ ही देखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है और साथ ही में इसका थीम अपशिष्ट से धन है। गाइस, आगे देखेंगे, हरदीप पुरी जी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दी है? यहाँ देखेंगे ऑप्शंस, ऑप्शन है सेवी, जनजातीय मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी सेवी के द्वारा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थाई मान्यता को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे कई आधारों पे गैर अनुपालन उन्हें घोषित किया गया है। गाइस, कई बुनियादी ढांचे और मानदंडों को यहाँ पे चेक किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी भारत सरकार का वित्तीय मंत्रालय स्वामित्व के प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार का एक नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, साथ ही में 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ ही प्रदान कर दी गई। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। हम आगे देखेंगे, प्रश्न है, प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? गाइज, हमारा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, नीति आयोग, विश्व बैंक या ऑक्सफैम इंटरनेशनल। गाइज, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन रिपोर्ट जारी किया गया है। गाइज, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 से काफ़ी परेशान थी, त्रस्त थी, लोग मर रहे थे, खाने को तरस रहे थे, साथ ही उनके पास पीने को पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सड़कों पर लगातार चले जा रहे हैं, एक तरफ इस तरह के सीन देखने को मिल रहे थे, और साथ ही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हर एक 30 घंटे में, गाइस, हर एक 30 घंटे में एक नया अरबपति उभर रहा है। यानी कि जहां हम लोग एक तरफ स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं यहां पे एक अरबपति बन रहे थे, यानी हमारे पेन से ये प्रॉफिट कमा रहे थे। चलिए हम आगे देखेंगे, मुख्यालय नैरोबी में है और इसकी स्थापना 1942 में की गई है। केन्या है ये, यहां नैरोबी स्थित है। गाइस, आगे देखेंगे तो इसके आसपास में इथोपिया है, सोमालिया है, साउथ सूडान है और तंजानिया है। गाइज, यहाँ नीचे तंजानिया है, यहाँ पे मसाई मारा रिजर्व है और इसके साथ ही कली मंजीरो यहाँ पे स्थित है। गाइज, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ इंडियन ओशन भी है। बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है? हमारा ऑप्शन है NFT पार्टनर, टाटा, रिलायंस, ड्रीम इलेवन। तो गाइज, राइट आंसर है NFT पार्टनर, यानी ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर। गाइज, हम यहाँ देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए NFT पार्टनर के साथ करार किया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायु सेना कौन से स्थान पे है? तो गाइज, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
यहाँ देखेंगे कि तीसरे स्थान पर हमारा एयरफोर्स है गाइस, वायु शक्ति सूचकांक में। यहाँ जो रिपोर्ट पेश किया गया है वह भारतीय वायुसेना के वर्तमान में कुल सक्रिय विमान सूची को गणना किया गया है। यह हमारा इंडियन एयरफोर्स है। आइए आगे देखेंगे, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। गाइज ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या विज्ञान मंत्रालय। यहाँ पे राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। तो गाइज शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि पूरे देश में 12/11/2021 को ही आयोजित किया गया था। गाइज हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको। चलिए आगे देखेंगे, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। गाइज ऑप्शन है स्पेन, रसिया, जापान या इंडिया। यहाँ राइट आंसर नहीं, जापान इसमें प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के सभी देशों को सम्मिलित किया गया है हमारे द्वारा। इसमें हम देखेंगे कि पहला देश है जापान, दूसरा अमेरिका और तीसरा स्पेन, साथ ही फ्रांस चौथे स्थान पे है। गाइज हमारा इंडिया 54th स्थान पे है, जो कि 2019 में 46th पे था। सबसे बड़ा यहाँ पे कारण बताया गया रैंक गिरने का गाइज कोविड-19। कोविड-19 में सबसे अगर कोई वर्स्ट रहा है तो वो ट्रैवल है, ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है इसमें। आगे देखेंगे, हाल ही में किस स्थान पर लवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया, किस स्थान पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू कश्मीर में हाल ही में लवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ के भद्रवाह में स्टार्ट किया गया है गाइज, और ये भारत का पहला लवेंडर महोत्सव है। साथ ही लवेंडर 5,000 किसानों और युवा उद्यमियों के लिए रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा 200 एकड़ में इसकी खेती करने वाले 1,000 से अधिक किसान परिवार भी शामिल है। यह हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान है, अक्साई चीन है, ये पेंगोंग लेक वाला एरिया है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखता है, लवेंडर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में। यहाँ हिस्ट्री हम देखेंगे दोस्तों, तो लवेंडर क्रांति या बैगनी क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR अरोमा मिशन के रूप में स्टार्ट किया गया था। आगे देखेंगे कि इसकी खेती जम्मू कश्मीर में 20 जिलों में की जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे पहली बार मुफ्त में लवेंडर पौधे भी प्रदान किए गए हैं गाइस। चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे, किस देश का MFUG बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा को खोलेगा। गाइस ऑप्शन है रसिया, फ्रांस, जापान या USA। गाइस तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गिफ्ट सिटी के द्वारा अपनी एक शाखा गिफ्ट सिटी में खोली जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि सबसे पहला MUFG ने बैंक कहीं खोला है तो वो मुंबई में ही खोला था। आगे हम देखेंगे गाइस कि इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और निमराना में भी इसका कार्यालय स्थित है। ये जापान का मैप है गाइस, यहाँ टोक्यो स्थित है, यहाँ ओसाका है। चलिए इसकी बॉर्डर के पास साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया के बॉर्डर्स मिलते हैं गाइस। आइए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। ऑप्शन है इंडिया, चाइना, जापान या टर्की। गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी टर्की इसमें पहले स्थान पर है। इसका आयोजन भी दोस्तों इस्तांबुल टर्की में ही किया गया था। साथ ही यहाँ पे 73 देशों ने भाग लिया और भारत ने इसमें कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है और 2 कांस्य हैं।
निखत जरीन ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा विश्व चैंपियन जीतने वाली वह 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं गाइस। इनके अलावे मनीषा मौन और परवीन हुडा ने भी कांस्य पदक को जीत रखा है। दोस्तों यहाँ देखेंगे टर्की यूरेशिया में स्थित है, इसकी राजधानी अंकारा है, साथ ही में बिन अली यदलरम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गाइस इस्तांबुल में इसका आयोजन किया गया था। ये टर्की का मैप है, यहाँ पे अंकारा स्थित है, इसकी राजधानी है, यहाँ ब्लैक सी है, साथ ही में साइप्रस, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और बुल्गारिया का बॉर्डर टर्की से टच करता है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग गाइस, अब हम यहाँ से 29 से 31 मई तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए प्रश्न है पहला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, पंजाब या मुंबई। गाइस यहाँ राइट आंसर है गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इफके कलोल में निर्मित नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे एक पूरी एक बोरी की शक्ति को हम लोग आधा लीटर में ही कवर कर लेंगे गाइस। साथ ही हम आगे देखेंगे प्लांट से प्रतिदिन 500 मिलीमीटर से लगभग 1.5 लाख बोतल का उत्पादन किया जाएगा और ऐसे 8 षडयंत्र और भी भारत में स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर गिफ्ट सिटी स्थित है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मई माह की किस तारीख को मनाया जाता है। गाइज ऑप्शन है 29 मई, 26 मई, 28 मई या 30 मई। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2022 मनाया गया और साथ ही इसका थीम जो है वो देखेंगे कि 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना है। गाइज यहाँ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने पीरियड्स के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं, इसके कारण उन्हें काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ों को सहना पड़ता है, उन्हें काफ़ी पेन झेलना पड़ता है और वो कई बीमारियों का शिकार भी हो जाती हैं। तो गैस यहाँ पे अकेले महिलाओं का ही नहीं, यहाँ पे पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं का इन दिनों में काफ़ी ख्याल रखें और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। आइए हम आगे देखेंगे, 28 मई को मासिक धर्म दिवस मनाया जाता है जो कि 2014 में जर्मन के वास यूनाइटेड नाम की एक एनजीओ ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। हम आगे बढ़ेंगे, अगला आगे देखेंगे कि 4 से 5 दिनों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिवस मनाया जाता है और ये 28 तारीख भी इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि जो पीरियड्स है वो भी 28 दिन के भीतर ही आते हैं और यह पीरियड साइकिल 28 दिनों का होता है। गाइज हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे 28 मई को जो स्वच्छता मासिक धर्म से रिलेटेड स्वच्छता दिवस मनाया जाता है उसमें जागरूक किया जाता है महिलाओं को पीरियड्स के अबाउट में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनका खासा ख्याल रखना चाहिए महिलाओं को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी किया है। दोस्तों ऑप्शन है नीति आयोग, यूनेस्को, भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो गाइज यहाँ राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 11 फ्री एक्सेस बैकग्राउंड पेपर की एक श्रृंखला बनाई गई है। गाइज यह रिपोर्ट दुनिया भर में 2.5 मिलियन लोगों की तकनीकी सहायता करेगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक 3.5 अरब लोगों तक ये पहुँच जाएगा। साथ ही हम देखेंगे WHO का मुख्यालय तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है, यहाँ पे न्यूयॉर्क स्थित है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखेंगे, डाक विभाग और इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक आरोहण 4.0 के वरिष्ठ अधिकारी की 2 दिवसीय बैठक कहाँ बुलाई गई है।
ऑप्शन देखेंगे पुणे, दिल्ली, मुंबई, शिमला। तो गाइस जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी शिमला में इसका आयोजन किया गया। साथ ही बैठक का जो एजेंडा था वो वित्तीय समावेशन अभियान और गहरा करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करना था। इसके अलावा हम आगे देखेंगे तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत यह किया गया था। इसके अलावा इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए एक सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक को बनाना है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से किस भारत सरकार के एक अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गाइस जो ऑप्शन है अनवर हुसैन शेख, अजय सिंह, संदीप सिंह या संजय माथुर। गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। आगे देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो कि आयात और निर्यात के सभी नियम को तैयार करता है। स्थापना है उसका उद्देश्य है कि जो भी व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाएं आती हैं उनको दूर किया जाए। भारत इसका सदस्य 1995 से ही है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए एक नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। गाइज यहाँ राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह के द्वारा नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है। साथ ही हम राजधानी देखेंगे उत्तराखंड की, तो देहरादून है, राजभाषा संस्कृत और हिंदी है और इसका गठन नवंबर 9th of 2000 में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मई माह की किस तारीख को मनाई जाती है। ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे इसका थीम था लोक शांति, प्रगति और भागीदारी की शक्ति। यहाँ हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन के हिस्ट्री को देखेंगे दोस्तों, तो यह पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 1948-29 मई को स्थापित किया गया था। यह क्यों स्थापित किया गया था, तो यह इजराइल और उसके अरब पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध विराम के समझौते की निगरानी के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षक संगठन बनाने के लिए मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी सी संख्या को तैनात की गई थी। आगे देखेंगे कि यहाँ पे 1948 से अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इसके शांति अभियानों में सेवा दी है और अब तक लगभग 72 सेवाएं प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है 8 मई को वीडी सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो गाइस ऑप्शन है 147, 130, 139 या 142। गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वीडी सावरकर की 139th एनिवर्सरी मनाई गई है। हम इनके बारे में देखेंगे दोस्तों, तो 28 मई 1883 में इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था और ये स्वतंत्रता सेनानी रहे जो कि 1857 में काफ़ी सक्रिय थे। इनके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं गाइस, जिसमें से जोसेफ मैजनी की जीवनी और राजनीति को लिखा गया है। इसके अलावा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी इनके द्वारा लिखा गया और साथ ही में हिंदुत्व हिंदू कौन है पुस्तक भी लिखा गया है। इनके द्वारा कई संगठन भी स्थापित किए गए थे जिनमें से अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गाइज ये हमारे हिस्ट्री के पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। हम आगे देखेंगे हाल ही में भारतीय मूल की पहली महिला
मोहिंदर के मुधा को कहाँ की पहली महिला दलित मेयर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, न्यूयॉर्क, लंदन। तो गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लंदन में इन्हें मेयर के रूप में चुना गया है। इन्होंने इतिहास रचा है गाइस, क्योंकि इससे पहले कोई भी नहीं बना था इंडियन मूल की दलित महिला। और साथ ही इलिंग काउंसिल की मेयर के रूप में इन्हें चूज़ किया गया है, जो कि पश्चिमी लंदन में स्थित है। आगे हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 2021-22 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है चाइना, जापान, यूएसए या रसिया। गाइज यहाँ पे चाइना को पीछे छोड़ते हुए यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और दोस्तों। यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में अभी द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 2020-21 में यह 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही था। इसके साथ ही देखेंगे कि चीन के साथ भारत का दो तरफा वाणिज्य जो है वो 2020-21 में 86.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अभी 2021-22 में 115.42 बिलियन डॉलर हो गया है। गाइस अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में सुल्ताना बेगम का निधन हो गया है, वह कौन थी? ऑप्शन है गायिका, लेखक, पत्रकार या वैज्ञानिक। गाइस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वह एक लेखिका थी। यह पंजाब से रिलेटेड थी और इनकी पुस्तक सुगुफे बहुत ही लोकप्रिय थी। गाइस चलिए, इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो पंजाब से ही की थी, मोहाली में भी काम किया है इन्होंने। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? गाइस ऑप्शन है कोचीन, गोवा, मुंबई या गुजरात। गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई से INS गोमती को 28 मई 2022 को ही सेवा मुक्त किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि INS गोमती का नाम गोमती नदी पर रखा गया है और इसे 16 अप्रैल 1988 को स्टार्ट किया गया था। सेवा मुक्त होने पर यह पश्चिमी बेड़ों का सबसे पुराना योद्धा भी रहेगा। चलिए अब आगे देखेंगे अगले प्रश्न को दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस यहाँ राइट आंसर है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए B2B डिजिटल मार्केट प्लस को लॉन्च किया गया है। हम यहाँ देखेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1965 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आइए अब अपने अगले प्रश्न को हम देखेंगे। दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में ICD गढ़ी हरसूरू ग्राम की परियोजना निकाह की शुरुआत की है। ऑप्शन है हरदीप पुरी जी, मनीष सिसोदिया, सुरजीत भुजबल या प्रियंका शर्मा। तो गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरजीत भुजबल के द्वारा निगाह कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि यह ICTM को कंस्टोडियन मेसर्स GRFL के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत कहाँ की गई है? गाइस ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखेंगे, 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है पत्रकारिता दिवस, उर्दू पत्रकारिता दिवस, तमिल पत्रकारिता दिवस या तेलुगु पत्रकारिता दिवस। तो गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह सबसे पहले
1826 को पहले अखबार उड़न मार्दन का प्रकाशन हुआ था, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है। इनके जो संपादक थे उनका नाम है श्री जुगल किशोर शुक्ल, जो कि कानपुर संयुक्त प्रदेश के निवासी थे। उदंड मार्तंड का अर्थ अगर हम देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। उदंड का जो मीनिंग होता है वो समाचार होता है, साथ ही मार्तंड मतलब सूर्य होता है, यानी समाचार सूर्य इसका मीनिंग हुआ। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, रामनाथ कोविंद, प्रदीप कुमार मोहंती या ओम बिरला। गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्हें लोकपाल का अतिरिक्त भार दिया गया है। हम देखेंगे कि इनका कार्यकाल, जो पिनाकी चंद्र घोष है उनका कार्यकाल शुक्रवार को ही पूरा हो गया है, और इसलिए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति 23 मार्च 2019 में ही की गई थी, और ये कैसे की जाती है गाइस, तो ये एज या 5 सालों के लिए की जाती है। आगे देखेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा केंद्र के लिए लोकपाल और लोकायुक्त राज्यों के लिए व्यवस्था की गई है। इस हम साथ ही देखेंगे कि यह संस्था बिना किसी संवैधानिक निकाय दर्जे वाली वैधानिक निकाय है। हम आगे देखेंगे कि यह ओम्बुड्समैन कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणियों के सरकार अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं गाइस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण में किस नोट को सबसे अधिक पसंद किया गया है। गाइस यहाँ ऑप्शन है 2,500, 50 या 100। तो गाइस यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 के नोट को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। वहीं देखेंगे कि 2000 को सबसे कम पसंद किया गया है। हाँ भाई, क्यों किया भी जाए, मान लो कहीं 2000 गिर गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो आइए देखते हैं आगे, 5 रुपये से सबसे अधिक पसंद किया गया है और 1 रुपये को सबसे कम पसंद किया गया है सिक्के में। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया है। गाइज ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के द्वारा अभी हाल ही में 5 सदस्यीय समिति की गठन की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई जिसकी अध्यक्षता करेंगे। हम आगे देखेंगे समान नागरिक संहिता क्या होता है। तो यह एक तरह का पंथ निरपेक्ष कानून है, यानी सेक्युलर कानून है, यानी सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना ही समान नागरिक संहिता कहलाती है। हम आगे देखेंगे कि इसकी व्यवस्था हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, लेकिन अभी भारत में इसको लागू नहीं किया गया है गाइस। यहाँ हम देखेंगे कि कई देश हैं जिन्होंने इसको लागू किया है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट। इसके अलावा भी और कई देशों ने स्टार्ट किया है इसको। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करेगी, यानी सबके लिए समान कानून को प्रदान करेंगी। ये इसका उद्देश्य है कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना। साथ ही देखेंगे कि संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP के एक भाग के रूप में 44 अनुच्छेद में जोड़ा गया है। आइए हम आगे देखेंगे, यह भारत में लागू नहीं है। यहाँ पर अधिकतर निजी कानून है जो कि धर्म के आधार पर होते हैं। यहाँ पे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने अलग कानून है। आगे देखेंगे, मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। चलिए
अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन ने कहाँ पर भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली की सुविधा शुरुआत की है? ऑप्शन है पोखरण, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी शुरुआत जैसलमेर में की गई है। अडानी कंपनी, अडानी ग्रीन सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड प्लांट चालू किया है। साथ ही हम देखेंगे यह नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। स्थापना 2015 में किया गया था। इसके संस्थापक गौतम अडानी हैं। साथ ही में इसका मुख्यालय अहमदाबाद भारत में स्थित है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय नौसेना ने 4 सर्वेक्षण वेसल परियोजनाओं में से दूसरा जहाज INS निदेशक को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया है? गाइज हमारा ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चेन्नई के कट्टुपल्ली में हाल ही में LNT यहाँ होना चाहिए के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है इसको। चलिए साथ ही इससे SVL जहाज़ों को रिप्लेस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित किया? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, गुजरात या उड़ीसा। यहाँ राइट आंसर है गाइज, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात के कच्छ जिले में ऐसा किया गया है पायलट परियोजना के तौर पे। चलिए हम देखते हैं आगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? सबसे पहले तो गाइज यहाँ पहला राज्य उड़ीसा है और दूसरा राज्य भी छत्तीसगढ़ है। चलिए हम देखेंगे आगे कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे अनसुईया उरोके जी राज्यपाल हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, विधानमंडल 1 सदनीय है, विधानसभा की सीटें 90 हैं। साथ ही में हम देखेंगे भारतीय संसद यानी राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं और उच्च न्यायालय यहाँ का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक 2022 का विषय क्या है? पीपल, प्रीस, प्रोग्रेस। तो अभी हमने गाइज ऊपर देखा डिस्कशन में कि पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप इसका थीम रहा है। चलिए हमने इस सब तो डिस्कस कर ही लिया है, अब अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है? ऑप्शन है यूनेप, WMO, वर्ल्ड बैंक या यूनिसेफ। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी WMO के द्वारा हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि ग्रीन हाउस, सांद्रता, महासागर अम्लीयता, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं गाइज। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले देखेंगे ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता। तो 2020 में यह सांद्रता एक नए वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही CO2 की सांद्रता वैश्विक स्तर पर 413.2 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गई है। आगे देखेंगे समुद्री गर्मी, तो यह 2021 में महासागरों की ऊपरी 2000 मीटर गहराई गर्म होती रही है। भविष्य में यह और भी बढ़ने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है महासागरीय अम्लीकरण, यानी यह मानव जनित CO2 के वार्षिक उत्सर्जन का 23% है दोस्तों। वैश्विक औसत समुद्री स्तर भी 2021 में यह 2013 से 2021 तक के अवसर 4.5 मिमी प्रति वर्ष बढ़ने के बाद एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। फॉर्च्यून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के टॉप 500 सूची में
पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन है जेफ बेजोस, एलन मस्क, रतन टाटा या बिल गेट्स। गाइस इसका राइट आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बन गए हैं गाइस। यहाँ हम देखेंगे कि 500 के सूची में ये नंबर वन पे हैं। चलिए आगे देखेंगे, अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। बीओबी फाइनेंशियल और किसने हाल ही में को बाइंडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड को जारी किया है? तो दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर या HPCL। गाइज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। मनोज सिंह और जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में उत्तर भारत का सबसे पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क स्थापित किया है? दोस्तों ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, मुंबई या जम्मू कश्मीर। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जम्मू कश्मीर में हाल ही में वहाँ के उपराज्यपाल और जितेंद्र सिंह के द्वारा उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह काठुआ में स्थित है गाइस, जो कि जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपटने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार को मंजूरी मिला है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो गाइज यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हम देखेंगे बिहार के जमुई में गाइज, तो यहाँ पे जमुई स्थित है, यहाँ पटना है यहाँ की राजधानी गाइज। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि बिहार में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। दोस्तों आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, सद्भाव और शांति के लिए योग या शांति के लिए योग। गाइज यहाँ पे राइट आंसर है मानवता के लिए योग। हम देखेंगे कि महामारी में तनाव को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है यह, और इसलिए इस थीम को रखा गया है दोस्तों। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक के मैसूर में। अगला प्रश्न को देखेंगे, केंद्र सरकार की अगले कितने साल में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों को बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? तो गाइज यहाँ ऑप्शन है 4 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार की अगले 4 वर्षों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करेगा। अभी भारत में कोयले से चलने वाले 173 संयंत्र हैं, और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के 81 संयंत्रों में से 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। अगला प्रश्न है, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? क्या हुआ है भाई, कभी मंकी वायरस तो कभी टोमेटो वायरस तो कभी वेस्ट नाइल वायरस, जी पाएंगे कि नहीं हम लोग? ऑप्शन है बिहार, केरला, पंजाब या तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरला में अभी हाल ही में यह देखा जा रहा है। केरल में 47 ईयर्स के एक व्यक्ति की वेस्ट नाइल फीवर से मौत भी हो गई है यहाँ पे। साथ ही हम देखेंगे कि 1933 में युगांडा में सबसे पहली बार पाया गया था, और केरल में यह बीमारी सबसे पहले साल 2011 में सामने आई थी। यह केरल का मैप है दोस्तों। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों और शेयर भी करिए, ताकि हमें आपसे सपोर्ट मिले। और साथ ही दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग अगले टाइम कोई भी वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास अपडेट जाए। थैंक यू दोस्तों।